Welcome to Dr. Kanthabutra's Public Awareness Series. Hello friends, lesson number 13 between you and me. अगर लकवा का पेशेंट जो बोल नहीं पा रहा है और फेजी अचानक बेचैन हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, नींद नहीं आती, तो क्या कारण हो सकता है? पिंकी बहन, क्या बात है? मैं महीना भर पहले मेरे पिताजी को राइट साइड में लकवा हो गया था। उसमें तो उनकी जवान भी चली गई। 20 दिन हॉस्पिटल रखने के बाद हम उनको घर पे लाए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर पिछले 3-4 दिन से मैम वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बेचैन भी बहुत रहते हैं, कुछ खाते भी नहीं हैं। पापा बहुत चिल्ला रहे थे तो मैंने डॉक्टर से मिलके उनके लिए नींद की गोलियाँ भी लाई, पर नींद की गोली से भी उनको कोई आराम नहीं लगा। अच्छा पिंकी बहन, अब घर पे लाने के बाद आपके पेशेंट पापा चलते हो गए थे क्या? चलते तो नहीं हुए थे मैम, पर हम लोग उनको बिठाते थे ना तो वो बैठ जाते थे इजीली। अच्छा खाना? खाना भी अपने आप से खा लेते थे। अच्छा फिर बाद में घर पे आने के बाद थोड़ा तो ठीक थे क्या? कितने दिन ठीक थे? 8 दिन मैम ठीक रहे, पर पिछले 3 दिन से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अच्छा रिपोर्ट कुछ कराया क्या आपने सोडियम सा? मैडम उनका सोडियम और ब्लड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। अच्छा पेशाब की नली है? पेशाब की नली है, जब से हॉस्पिटल से आए तब से नली लगी हुई है और लास्ट 2 दिन से हमने चेंज भी कर दी है। अच्छा पेशाब में भी इन्फेक्शन तो रिपोर्ट में नहीं है, तो उनको एक्चुअली लैट्रिन कब हुई है? 2 दिन पहले गए थे। 2 दिन पहले गए थे, पर गए थे मतलब वो जा नहीं पाते तो बराबर हो रही थी कि एकदम टुकड़े टुकड़े ऐसे एकदम कड़क जो मर एकदम अटक गया बोलते हैं, एकदम पीसे हाँ, निकलते हैं, बराबर से नहीं होता है, ऐसे ही हो रहा हाँ। था। अच्छा अभी 2 दिन से बिल्कुल नहीं हुआ नहीं। है तो मुझे लगता है कि उनकी जो मर अटक गया बोलते हैं ना, फंस गया या हम लोग फीकल इन्फेक्शन बोलते हैं, तो ऐसे ही स्टूल्स उनके पेट के अंदर अटक गए, उसके कारण गैस हो रहा है, वो गैस हो रहा है तो उसके कारण वो खा नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए फिर वो आप लोगों को पे गुस्सा कर रहे हैं, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुझे ही लग रहा है। और आप सब लोगों के लिए एल्डरली पीपल, खास करके लकवा के पेशेंट जिनको बहुत सारी दवाइयाँ भी चलती रहती है, हाथ पैर कड़क हो गए बोल के, नींद नहीं आ रही है, झंझराहटी हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, उन सब दवाओं से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण ही फीकल इन्फेक्शन एंड लैट्रिन अटकना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, और कभी ध्यान में नहीं आए तो उसके कारण पेशाब भी अटक जाता है और बाकी भी प्रॉब्लम हो जाती है। नेचुरल है, पेशेंट अगर बोल नहीं पा रहा, ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो बेचैनी में वो दिमाग का संतुलन भी खो देता है, सोता नहीं है, खाता नहीं है, और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। सो प्रॉब्लम छोटी है पर बराबर ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बार क्या हो जाता है, हम लोग कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ बंद कर देते हैं कि भाई पेशेंट को लूज मोशन हो जाएंगे, डायपर ख़राब हो जाएंगे, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, और उसके कारण भी काफ़ी बार वो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम फिर बढ़ता जाता है। ये मर अटक गया बोलते हैं या फीकल इन्फेक्शन, प्रॉब्लम तो छोटा है ऐसे अपने को लगता है, पर इसके कारण पेशेंट को और सबको जो बेचैनी होती, खास करके ओल्ड पीपल, डिमेंटेड पेशेंट जिनको, और पार्किंसन के पेशेंट या लकवा के पेशेंट, इन सब पेशेंट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो अपने को ही ध्यान में रखना भी जरूरी है। थैंक यू।